श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छोटे वीडियो बना के हम डालते थे, एक बाबा का स्टेटस लगा ले, रील लग जाए, पर वो रील हमें नहीं पता। जैसे जो दो लेडी सही थी, हमने उनसे पूछा दीदी आप क्यों आए यहाँ पे, तो उन्होंने बोला भैया हमारी कोई मनोकामना थी, वो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। तो हमने उनसे पूछा कि एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दे क्या, हमने कहा भैया डाल दो, हमें भी नहीं पता था। हमने वीडियो डाला, जैसे लाइक व्यू कमेंट आने लगे, 1.1 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा। और आज यहाँ बाबा के मंदिर में, मतलब रोज, मतलब 20 दिन में बता रहा हूँ, 500-700 लोग डेली आ रहे हैं, और जिनमें जो आए हैं अभी तक उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हुई और वापस डबल रिटर्न आने लग गए। और सबसे बड़ा लाइव उदाहरण है, भैया फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम आए, मुझे तो नहीं पता, पर इनने बाबा से जो अर्जी लगाई, अभी इनने बताया कि मेरी अर्जी लगी 4-5 दिन से परेशान थे, कोई चीज़ नहीं मिली, और वो चीज़ मिल गई, तो इससे बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं। अरे बिल्कुल बेकायदा, मतलब कि कोई रख के चले जाओ, घर में पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, मुझे नहीं मिली थी। पूरा सिद्ध काम हो गया भैया, पूरा सिद्ध काम हो गया पूरा। तो इसके पहले नहीं पता था आपको यहाँ के बारे में क्या? कैसे पता चला? ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, भैया से कांटेक्ट किया, बात भी किया है। अच्छा, अच्छा फोन, मतलब फोन पे भी अर्जी लगा सकते हैं? हाँ, मतलब लगा तो ही सकते, पर वो मजबूरी थी मेरी, तो उन्होंने लगा दी, तो लगाने जाते हैं, मतलब भैया आपको आना ही पड़ेगा, फिर मेरी वही मजबूरी, तो मैं लगा दी। अच्छा जी, कहाँ पे रहते भैया आप? भैया भोपाल, भोपाल से बोल रहे हैं। ठीक भैया जी, धन्यवाद। मैं इंदौर से ही बोल रहा हूँ भैया, रहूँ में ही हूँ अभी, मंदिर पे ही हूँ बाबा के। हाँ, बाबा के मंदिर पे ही। ये आपकी आपकी वॉइस है ना, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो ये यूट्यूब पे डलेगी, चल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे भैया कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ डल जाए। ठीक है, ठीक है, आशीर्वाद बना रहे सब लोग, ठीक है। जय श्री महाकाल, सबकी चीजें पूर्ण हो, बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद सब कुछ मिलता रहे। जय हो, जय हो। तो जय श्री राम, जय बाबा भूतनाथ की। तो कैसे आप लोग, मुझे लगता है एकदम जगह जमे थे गाइस। मैं आज आ चुका हूँ बाबा भूतनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और अभी काफी लोग इंस्टाग्राम रील पर काफी देखकर यहाँ पर आ रहे हैं, और चमत्कारिक मंदिर है, काफी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये मंदिर कहाँ पर है, और कौन यहाँ पर पूजा करते हैं, कब स्थापना हुई इस मंदिर की, और क्या क्या चमत्कार हुए। पूरा वीडियो देखने के लिए देखते रहिएगा सोनारतिया, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि ये मंदिर कहाँ पर स्थापित है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जय बाबा भूतनाथ, जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम। गाइस आप लोगों को मैं रहूँ में, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है बाबा भूतनाथ का, वहाँ पर काफ़ी लोग इंस्टाग्राम की रील देखकर काफ़ी लोग जा रहे हैं, और उनकी मनोकामना पूरी हो रही है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, देखा होगा या वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पर। तो मैं आज आप लोगों को मैं रास्ता बताऊंगा कि रऊ चौराहे से वो मंदिर जाने का कौन सा मार्ग है, और आपको, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते पूछते जाते हैं, वीडियो के माध्यम से वो जल्दी पहुँच जाएंगे, और किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। वैसे पूछ भी सकते हैं, पर यहाँ पर आप किसी से भी रऊ चौराहे पर पूछेंगे कि भूतनाथ मंदिर कहाँ है, वो भी आपको रास्ता बता देंगे, पर आपको बहुत ही सिंपल रास्ता बताता हूँ मैं, जैसे कि ये चौराहा है, रऊ चौराहा है, और ये जो रोड है, ये केट रोड, ये इंदौर से आते हैं, केट रोड है ये, इंदौर से भी आप आ सकते हैं रऊ के लिए, और यहाँ तक बस वगैरह की भी सुविधा है, इंदौर से बस वगैरह आती, पीतम्बूर से आती, हर तरफ से आती है। तो ये मेन चौराहा है रऊ चौराहा, उधर जैसे रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज है जो, उधर जाएंगे तो रऊ का मेन मार्केट आ जाएगा। इसके ठीक सामने ही इस वाले अगर रोड से जाएंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया रऊ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज भी इधर से जाएंगे, आ जाएगा रंगवासा, आगे रंगवासा। तो इस रास्ते से भी हम भूतनाथ मंदिर जा सकते हैं, बट इधर से काफी कंफ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को सबसे सिंपल रास्ता ले चल रहा हूँ। तो यहाँ से सीधा रास्ता है, ये है पीथमपुर मार्ग, यहाँ से जाते हैं पीथमपुर मार्ग, हमको इसी रास्ते से सीधा जाना है, जहाँ पर लिखा है बोर्ड नखराली ढाणी का, नखराली ढाणी का बोर्ड जहाँ पर हमको नज़र आएगा, वहाँ से हम टर्न लेंगे राइट तरफ। तो चलिए चलते हैं यहाँ से सीधा। हम ये देखिए ना, हमें यहाँ से इस चौराहे से ना राइट लेना है ना लेफ्ट लेना है, यहाँ से हमें जाना एकदम सीधा नखराली ढाणी वाला रास्ता, पीथमपुर वाला, कहीं नहीं मुड़ना यहाँ से हमें। तो चलिए चलते हैं। तो ये वाला रास्ता सबसे अच्छा है,
अगर आपको गाड़ी में फ्यूल वगैरह भी डलवाना हो तो यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है, नाश्ता वगैरह करना हो तो चौराहे पे काफ़ी सारी दुकानें भी है। तो यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी है, 500 मीटर की दूरी तो नखराई ढाणी का बोर्ड दिख जाएगा। जैसे ये देखिए, ये बिल्डिंग है, आप याद रखेगा ये बिल्डिंग है अपना घर, ये बिल्डिंग है, इसके भी आगे ही चलना है हमें सीधा एकदम। वासु इंजीनियरिंग वर्क्स पाटीदार भूत ब्रदर्स, यहाँ से भी सीधा समीर आयरन वर्क्स, यहाँ से हमें सीधा ही चलना है, यहाँ से हमें सीधा चलना है। और ये आ चुका है बोर्ड, आप लोगों को दिखने लग चुका है नखराली ढाणी का, ये दिख गया रोड, वेलकम यू इन इंडस्ट्रियल एरिया रऊ, ठीक है। ये इतना बड़ा बोर्ड भी नजर आएगा और आपको नखराली ढाणी का भी बोर्ड नजर आएगा। हमको यहाँ से अंदर की तरफ जाना है, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप सीधे मत जाइएगा, यहाँ से आप लोगों को राइट टर्न लेना है, राइट टर्न, राइट की तरफ देखिएगा नखराली ढाणी रऊ का बोर्ड नजर आ जाएगा। तो यहाँ से हम चलेंगे अंदर की तरफ, 500 चौराहे रऊ चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर आपको नखराली ढाणी का बोर्ड मिलेगा, उसके ऊपर जाना है, 500 मीटर की दूरी है वहां से यहाँ तक की, ठीक है। फिर हम अंदर चल रहे हैं, तो ये आ चुका है नखराली ढाणी, जो कि घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है और राजस्थानी माहौल मिलता है अंदर की तरफ, ये नखराली ढाणी। अब नखराली ढाणी आ गए हम, राइट टर्न लिया हमने, राइट टर्न लेने के बाद यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट टर्न और रोके। देखिये नखराली ढाणी तो आ गए थे हम, वहां से हमने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न पे एक रास्ता नजर आएगा, इस रास्ते से हमें अंदर जाना है, पर यहाँ पर आपको बोर्ड नजर आ जाएगा बाबा भूतनाथ के मंदिर पर जाने का रास्ता। तो यहाँ से हमने लेफ्ट लिया, याद रखिएगा ये, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद हमें चलना है एकदम सीधा, ये देखिए यहाँ से सीधा चले हम, और एकदम सीधा मत जाइएगा यहाँ से। अब देखिएगा ये दिखा, ये थोड़ा सा जो रास्ता दिख रहा है ना, ये जो भैया जा रहा है बैग लेकर, यहाँ से हमें चढ़ना है सीधा, यहाँ से चलना है सीधा। यहाँ से मात्र आप लोगों को 100 मीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये रास्ता भी बन जाएगा, ये रास्ता बन जाएगा, क्योंकि बाबा सब चमत्कार कर रहे हैं, सभी की मनोकामना पूरी कर रहे हैं, तो सारे भक्त बाबा का मंदिर बना रहे हैं। फाइनली हम आ चुके हैं बाबा भूतनाथ मंदिर, ठीक है। जिस रास्ते से हम आए उसी रास्ते से आप आइएगा, तो बिल्कुल भी ना भटकेंगे, कभी नहीं भटकेंगे आप, इस रास्ते से आइएगा कभी नहीं भटकेंगे। वैसे दो तीन रास्ते नज़र आ जाएंगे आप लोगों को, मिल जाएंगे, बट ये सबसे सरल और सीधा रास्ता। तो अब यहाँ पर अपन मंदिर वगैरह देखेंगे बाकायदा, और मंदिर के बारे में भी बाकायदा हम पूछेंगे कि क्या चमत्कार होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और बाबा की स्थापना कब से हुई है ना। अभी क्योंकि इंस्टाग्राम पर काफ़ी चल रहा है और काफ़ी महिलाओं की गोद भी भरी जाती है यहाँ पे इस मंदिर में, ठीक है, और काफ़ी लोगों की मनोकामनाएँ पूरी हो रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए धनाधन, क्योंकि काफ़ी बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें। अभी यहाँ पर पूरा मंदिर बनने की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर ये सब पूरी मंदिर बनने की प्रक्रिया चल रही है, और यहाँ पर है भोले बाबा का मंदिर नीचे, और ये पीपल का पेड़ यहाँ पर, और यहाँ से ये रास्ता है। अभी निर्माण चल रहा है तो ये बनेगा पूरा प्रॉपर तरीके से, और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, खंडवा से, रतलाम से, पता राजस्थान से सबसे। तो चलिए चलते हैं ऊपर, जय हो बाबा की, जय जय श्री राम। ये आ गए बाबा का मंदिर, तो ये मंदिर है बाबा भूतनाथ का। यहाँ पर काफी दूर दूर से भाई लोग आए हैं, जय जय श्री राम, जय श्री राम। लोग से भी उन बाद में बात करेंगे, पहले दर्शन कर लेते हैं बाबा के। तो ये बाबा यहाँ पर विराजमान है, और ये है बाबा भूतनाथ, जय हो बाबा की। बाबा को प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, नारियल, केले, जो भी प्रसाद में आपकी श्रद्धा भक्ति हो चढ़ा सकते हैं, फूलहार। पर बाबा को अगर मनोकामना आप लोगों को मांगनी है
तो बाबा को सिगरेट चढ़ानी पड़ती है। एक सिगरेट जैसे यहाँ पर लगी हुई है, सिगरेट चढ़ाइए और बाबा से मनोकामना मांगिए, आपकी पूरी होगी मनोकामना, ठीक है। जय हो बाबा के दर्शन कर लीजिए। और ये मंदिर बहुत चमत्कारिक मंदिर है, जय हो बाबा की। और ये जो जगह है ये पूरी मंदिर की है, बाबा भूतनाथ की। तो यहाँ पर अभी निर्माण चल रहा है सब। तो आइए जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उन लोगों से इस मंदिर के बारे में बातचीत करते हैं। बाबा भूतनाथ की भैया, एक भैया आए हुए हैं, तो थोड़ा सा बाबा के बारे में उनको आप खुद बताना। अभी तक तो आप मंदिर पाए नहीं हो, आपका काम हुआ कि नहीं आप इनको बताना कहाँ कैसे। लो बताओ इनको। जय हो बाबा भैरवनाथ की। जी बाबा भैरवनाथ भूतनाथ बाबा की। भैया मेरा काम तो सही भैया फोन पे हुआ था। अच्छा, सिर्फ दादा ने वो फोन पे बात कराई। ठीक है, गुलाब की अर्जी लगाओ, और मैंने अर्जी लगाया। हाँ, जो चीज मतलब इम्पॉसिबल भी थी ना, वो चीज हो रही है मेरे साथ। ये रियल चेक। हाँ, जो उम्मीद भी खत्म हो गई थी ना मुझे। कितना टाइम हुआ भैया लगाया गया आपको? भैया 3 दिन पहले लगाया था। 3 दिन पहले अर्जी लगाया था। हाँ, और आज मेरा मतलब ये समझ लो अभी भी ठीक ठाक ही चल रहा। मतलब ये समझ लो कि जहाँ से इतना कपूच गलत, मतलब मैंने इतना गलत बोलने के बाद भी सामने वाला मुझसे बात कर रहा है। बस ठीक है यार, बाबा सबकी लाज रखे। पूरा सिद्ध काम हो गया भैया? पूरा सिद्ध काम हुआ भैया पूरा। तो इसके पहले नहीं पता था आपको यहाँ के बारे में? क्या यहाँ के बारे में? इससे पहले कभी नहीं पता था। कैसे पता चला भैया? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, भैया से कॉन्टेक्ट किया, बात की भैया से। अच्छा, और इनको फोन के इन्हें अर्जी लगाई मेरी, मेरा काम। अच्छा, फोन मतलब फोन पे भी अर्जी लगा सकते हैं? हाँ, मतलब लगा तो ही सकते, पर वो मजबूरी थी मेरी, तो उन्होंने लगा दी, तो लगा नहीं देता। उन्होंने भैया आपको आना ही पड़ेगा, फिर मेरी कोई मजबूरी तो मैं लगा दी। अच्छा जी, कहाँ पे रहते भैया आप? भैया भोपाल। भोपाल से बोल रहे हैं? ठीक भैया, जी हो, धन्यवाद। मैं इंदौर से ही बोल रहा हूँ भैया, रहू में ही हूँ, अभी मंदिर पे ही हूँ बाबा के। रहू? हाँ, बाबा के मंदिर पे ही। ये आपकी आपकी वॉइस है ना, रिकॉर्ड हो रही है जी, ठीक है, तो ये यूट्यूब पे डलेगी, चल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे भैया कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ डल जाए। ठीक है, ठीक है भैया, उनका आशीर्वाद बना रहे सब लोग। ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री पूर्ण हो, सबकी चीजें पूर्ण हो, बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। जय हो, जय हो। Do you wanna come around now?